पिछले पार्ट में हमने देखा कि अलीबाबा वापस से गोस्ट ऑफ पास का रूप ले लेता है और जैसे ही वो कहता है कि तुम्हें और गहराई में जाकर सोचने की ज़रूरत है, स्क्रूज के नीचे से ज़मीन धंसने लगती है, जिसके बाद वो दोनों एक कोयले की खान में पहुंच जाते हैं जो कि स्क्रूज ने कई सालों पहले खरीदी थी। अब वहाँ पर कई लोग, महिलाएं, बच्चे और घोड़े काम कर रहे होते हैं और अब गोस्ट ऑफ पास उसे बताता है कि किस तरह स्क्रूज ने पैसे बचाने के लिए खान के अंदर लकड़ी के सपोर्ट ठीक तरीके से नहीं लगाई और तभी वहाँ पर वो खान डहने लगती है और स्क्रूज की आंखों के सामने ही सब लोग मारे जाते हैं। इसके बाद गोस्ट ऑफ पास स्क्रूज को उसकी मिल में लेकर आता है जहां वो उसे दिखाता है कि कैसे स्क्रूज और जेकब ने उस मिल के मालिक की मजबूरी का फायदा उठाया और उसकी मिल को बहुत कम दाम में खरीद कर 4 दिनों बाद उसे 10 गुना कीमत में बेच दिया, जिससे उस मिल में काम करने वाले 500 मजबूरों की नौकरी चली गई। पर अब भी अपनी गलतियों का पछतावा ना होने पर गोस्ट ऑफ पास स्क्रूज को 7 साल पहले क्रिसमस की शाम वाले वक्त में ले जाता है जहां पर मैरी स्क्रूज के ऑफिस पर आती है और उससे 30 पाउंड का कर्ज मांगती है क्योंकि मैरी का बेटा टिम, जो कि उस वक्त 2 साल का होता है, उसके फेफड़ों में पानी भर चुका होता है और उसके इलाज के लिए 30 पाउंड की ज़रूरत होती है। अब कर्ज मांगने पर स्क्रूज मैरी को सिर्फ 10 पाउंड उसी वक्त दे देता है और कहता है कि बाकी के 20 पाउंड लेने के लिए उसे क्रिसमस की शाम को 4 बजे बिना बॉब को कुछ बताए उसके घर पर आना होगा और स्क्रूज उसे जो भी करने को कहेगा वो उससे करना होगा। जिसे सुनकर मैरी वहाँ पड़े हुए 10 पाउंड ले लेती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद शाम 4 बजे मैरी स्क्रूज के घर आती है जहाँ स्क्रूज उससे सवाल करता है कि 20 पाउंड के बदले में वो उसे क्या दे सकती है, जिस पर मैरी स्क्रूज की बात समझ जाती है और रोते हुए अपने कपड़े उतारने लगती है। लेकिन ये देखकर स्क्रूज उसे रोकता है और कहता है कि उसे मैरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि अपने पैसों से वो उससे क्या करवा सकता है। जिसके बाद स्क्रूज मैरी को पैसे दे देता है लेकिन जाने से पहले मैरी स्क्रूज को चेतावनी देते हुए कहती है कि एक दिन पवित्र आत्माएं आएंगी और स्क्रूज को उसके गले से पकड़कर घसीटते हुए आईने के सामने ले जाएगी, जिसमें स्क्रूज को अपनी असलियत दिखाई देगी और वो ऐसा करेगी क्योंकि एक औरत पवित्र आत्माओं को बुला सकती है। अब मेरी के जाने के बाद स्क्रूज गोस्ट ऑफ पास से सवाल करता है कि क्या मेरी ने ही उसे बुलाया है, लेकिन गोस्ट ऑफ पास इसका जवाब नहीं देता और जाते हुए स्क्रूज को बताता है कि आज रात फिर से 12 बजे गोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट उससे मिलने आएगी, जिस पर फिर स्क्रूज चिल्लाते हुए गोस्ट ऑफ पास से सवाल करता है कि वो आत्माएं उससे क्या चाहती है, लेकिन वो बिना कोई जवाब दिए ही गायब हो जाता है। अब अगली रात के 12 बजते ही गोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट स्क्रूज के घर में लॉटी का रूप लेकर आती है और वहां से उसे बॉब के घर ले जाती है जहां पर सभी लोग बड़ी खुशी से क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। यहां पर बॉब सभी को बताता है कि उसे एक नई जॉब मिल गई है जहां उसे अब ज़्यादा सैलरी मिलेगी और इसलिए वो अब स्क्रूज की नौकरी से इस्तीफा दे देगा, जो बात सुनकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। लेकिन मैरी इससे घबरा जाती है क्योंकि मैरी को लगता है कि बॉब के नौकरी छोड़ने पर स्क्रूज बॉब को क्रिसमस की उस शाम के बारे में सब कुछ बता देगा, इसलिए मैरी सभी पर गुस्सा करने लगती है जिससे वहां का खुशनुमा माहौल अचानक से ही दुख में बदल जाता है। इस पर अब लॉटी स्क्रूज से कहती है कि देखो तुमने कैसे एक परिवार की क्रिसमस इवनिंग को बर्बाद कर दिया, जिसके बाद वो स्क्रूज को एक चर्च में ले जाती है जहां पर स्क्रूज की कोयले की खान में मरने वाले लोगों के परिवार वाले उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। अब यहां पर हम उस बच्चे को भी देख पाते हैं जिसने कहानी की शुरुआत में जेकब की कब्र पर पिशाब किया था, जिससे हमें पता चलता है कि उसने ऐसा क्यों किया था। अब ये सब देखकर स्क्रूज को पछतावा होने लगता है और वो लॉटी से कहता है कि अगर उसे अपना पास फिर से जीने को मिले तो वो खान में ज़रूर अच्छी लकड़ी लगवाएगा और सारे बुरे काम को जो उसने किए थे वो सबको ठीक कर देगा। इसलिए अब स्क्रूज माफ़ी मांगता है और लॉटी से कहता है कि अगर वो उसे ये पहले ही एहसास करवा देती तो वो कभी बुरे काम नहीं करता।
और अब स्क्रूज की आंखों में पछतावे के आंसू होते हैं। इसलिए अब लॉटी स्क्रूज का हाथ पकड़ती है और कहती कि अब गोस्ट ऑफ क्रिसमस फ्यूचर के आने का वक्त हो गया है, तुम उसके सामने अपने पास को लेकर कोई बहाने मत बनाना, क्योंकि उसे तुम्हारे पास से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके साथ ही वो स्क्रूज को इशारा करके कमरे में जाने को कहती है और जाते हुए लॉटी स्क्रूज को चेतावनी देती है कि गोस्ट ऑफ फ्यूचर हम तीनों में से सबसे खतरनाक है, इसलिए अपना ख्याल रखना, और ऐसा कहकर वो वहां से गायब हो जाती है। अब इसके बाद स्क्रूज उस कमरे में जाकर गोस्ट ऑफ फ्यूचर का वेट करने लगता है, जहां पर कुछ देर बाद गोस्ट ऑफ फ्यूचर अपने हाथ में एक बड़ी सी घंटी लेकर उसे बजाते हुए वहां पर आता है और उस घंटी को जोर से स्क्रूज के पास वाली दीवार पर फेंकता है, जिससे वो घंटी दीवार तोड़कर बाहर चली जाती है, जिससे स्क्रूज थोड़ा डर जाता है। अब यहाँ पर हमें गोस्ट ऑफ फ्यूचर को दिखाया जाता है जो काफी डरावना लग रहा होता है। वो अब स्क्रूज को भविष्य में उसके ऑफिस में लेकर जाता है, जहाँ पर बॉब स्क्रूज को देने के लिए अपना इस्तीफा लिख रहा होता है, और तभी वहाँ पर बॉब की बेटी बेलिंडा आती है, जो बॉब को बताती कि बर्फ पर स्केटिंग करते हुए अचानक बर्फ टूट गई है, जिससे टीम बर्फीले पानी में डूब गया है, जो सुनकर बॉब भागता हुआ वहाँ से निकल जाता है। अब बॉब के वहां से जाने के बाद गोस्ट ऑफ फ्यूचर स्क्रूज को टिम का विजन दिखाता है, जिसमें टिम स्क्रूज को बर्फीले पानी में डूबते हुए देखता है, जो सब देखने के बाद स्क्रूज बहुत ही दुखी हो जाता है और पागलों की तरह चिल्लाते हुए टिम को ढूंढने लगता है, और तभी गोस्ट ऑफ फ्यूचर स्क्रूज को पकड़कर बर्फ के ऊपर फेंक देता है, जिसके बाद बर्फ टूट जाती है और स्क्रूज अपने ऑफिस में आकर गिरता है। फिर तभी स्क्रूज को पता चलता है कि ये क्रिसमस का दिन है, इसलिए अब सबसे पहले स्क्रूज जमी हुई झील पर जाता है और उस पर मिट्टी डाल देता है, ताकि कोई भी उस पर स्केटिंग ना कर सके। जिसके बाद वो बॉब के घर जाता है और उसे बताता है कि वो आज से अपनी कंपनी बंद कर रहा है, क्योंकि पवित्र आत्माओं ने उसे सच्चाई का आईना दिखा दिया है। साथ ही वो बॉब को इतने सालों के काम के बदले 500 पाउंड्स का चेक देने का वादा करता है, और जाते हुए बॉब से हाथ मिलाकर मैरी क्रिसमस कहता है। अब बॉब के घर से जाते हुए मैरी उसे बाहर तक छोड़ने आती है, और फिर स्क्रूज मैरी को पवित्र आत्माओं, सच्चाई की रोशनी और आईना दिखाने के लिए धन्यवाद देता है। जिसके बाद जाते हुए स्क्रूज बड़बड़ाता है और कहता है कि जेकब अब शांति से सो जाए, और फिर अपने घर की तरफ निकल जाता है। वहीं फिर मैरी अपने घर की खिड़की से स्क्रूज को जाते हुए देखती है और अपने आप से कहती है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की पवित्र आत्माओं को अभी और भी काम करना है। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है। अब ये सीरीज वैसे तो इतनी लंबी नहीं है, पर इसे देखते हुए आप एक मिनट के लिए भी बोर नहीं होंगे, क्योंकि सीरीज में समझाया गया है कि किसी आदमी के बुरे होने के पीछे असल में उसका पेनफुल पास जिम्मेदार होता है। उसे उसकी गलतियों का एहसास कराए जाने पर वो भी एक अच्छा इंसान बन सकता है। वहीं अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक तो ज़रूर करिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें, ताकि ये सीरीज की चैनल कायम रहे। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।